तुखलघाट बस हादसा सुबह 10 बजे हुआ था और अब शाम तक जो स्थिति है वो लगभग धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। हालांकि बहुत देर तक रेस्क्यू चलाया गया और अब भी ये कहा जाए कि रेस्क्यू बंद कर दिया गया है तो ऐसा नहीं है, चूंकि रात अब हो चुकी है और ऐसी स्थिति में रेस्क्यू को रोका तो गया है पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार जानकारी भी जुटा रहे हैं। वो लोग जिन लोगों के शव निकाल दिए गए थे उनकी जो पहचान है वो कर ली और क्या कुछ प्रक्रिया की गई। हमारे सहयोगी जफर अली जुड़े हुए हैं। जफर, पूरा दिन बीत गया, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, लगातार रेस्क्यू चलाया गया, जिन लोगों की बॉडी रिकवर कर ली गई थी उन लोगों की बॉडी बाहर निकालने के बाद जो प्रक्रिया थी वो की गई है, क्या कुछ अब अपडेट है पूरी खबर? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि जो सुबह बड़स का जो हादसा हुआ था उसमें जो लोग के जो शव बरामद हुए थे उनको धामनोद के शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, जिसके बाद उनकी जब शिनाख्त हुई तो उनके परिजनों को बुलाया गया और परिजनों के सुपुर्द सभी 12 शवों को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। बिल्कुल, 12 जो शव हैं वो बरामद किए। और जी जो शुरुआत से लेकर अब तक जो स्थिति बनी हुई थी कि बस में लोग कितने सवार थे, कितने लोगों को बचाया गया, चूंकि यहाँ जो मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना था कि लोगों कुछ जो संख्या उन्होंने उल्लेख किया कि लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है और बाकी लोगों को सर्च करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इसके बाद जो जानकारी है अधिकृत रूप से, क्या ये जानकारी पूरे दिन में प्रशासनिक अधिकारी दे पाए कि उसमें कितने लोग बस में सवार थे? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अभी जो बयान जारी किया उसमें बताया है कि उनको जो नीचे जो नर्मदा में जो लोग नहा रहे थे वो बस गिरने पर भागे तो उन्हें ऐसी जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा ऐसी सूचना मिली थी कि ये लोगों को रेस्क्यू करके बाहर किया गया, लेकिन जो लोग बस में सवार थे उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं बच पाए कोई भी। और अभी जो जानकारी मिलती है उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जिसमें 12 लोग सरवटे बस स्टैंड से बैठे थे और 3 लोग राजीव गांधी चौराहे से बैठे थे, उसके बाद में रास्ते से में अभी कितने लोग बैठे कितने लोग कहीं पर उतरे इसकी कोई जानकारी नहीं है और अभी तक 1200 जो है बरामद हुए हैं और वो परिजनों के सुपुर्द किए गए हैं। जैसा कि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर बोला था कि कमल जो प्रभारी मंत्री खरगोन जिले के उनको कमल मौके का जायजा पटेल लेने के लिए भेजा, कमल पटेल जी जी को, जी तो वो भी अभी मौके पर पहुंचे हैं, वो भी मौके का जायजा ले रहे हैं और इसकी लगातार सर्चिंग भी की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि 200-300 और हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, भले ही रात हो चुकी है लेकिन जी जो प्रशासनिक अमला है वो अभी रुका नहीं है, क्योंकि जिस तरह की ये घटना है और जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उन जी लोगों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि अधिकृत आंकड़ा अब तक जफर इसमें नहीं आया है, इसलिए शायद जब तक अधिकृत आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक ये सर्च ऑपरेशन को रोका भी नहीं जा सकता है, और शायद इसीलिए सरकार अपनी तरफ से, प्रशासन अपनी तरफ से कोई लापरवाही इस पूरे मामले में नहीं करना चाहता है। और इसके जी अलावा जो दोपहर तक जो जानकारी मिली थी कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये दुर्घटना हुई है ऐसा बताया जा रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज भी शायद या कोई प्रत्यक्षदर्शी था जिसने पूरी घटना का विवरण दिया है, वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? जो प्रत्यक्षदर्शी था सर, हमने भी उनसे बात की थी, उसका कहना है कि वो उस बस के पीछे चल रहा था और तभी सामने के जो ये वन वे ब्रिज था उधर सामने की तरफ से रॉन्ग वे बाइक आ रही थी, बाइक को बचाने के लिए बस चालक ने बाइक को बचाते हुए बस नर्मदा में जा गिरी थी। बिल्कुल, यानी बाइक को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ जी ऐसा कहा जा सकता है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जफर अली जुड़े हुए थे जो दिन भर से पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और अभी जो ताजा जानकारी है उसके हिसाब से जो शव बरामद हुए, जो शव रिकवर किए गए उनके परिजनों को बुलाया गया है, और शिनाख्त करने के बाद, परिजनों को बुलाने के बाद जो बॉडी है उनके सुपुर्द की गई है, लेकिन अभी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, और भी लोग इसमें जो हताहत हुए होंगे उन्हें शायद ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक 12 घंटे के आसपास का ये समय बीत चुका है हादसे को हुए, लेकिन अब तक कोई अधिकृत आंकड़ा प्रशासनिक
प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है कि कितने लोग बस में सवार थे। ये बेहद ज़रूरी है और शायद उस वो फिगर्स भी प्रशासनिक तौर पर सरकारी तंत्र जो है वो उन फिगर्स को जुटाने में लगा होगा, लेकिन हृदय विदारक घटना है और इस घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सभी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, सभी ने दुख जारी किया है। क्या भाव प्रकाश शर्मा। अच्छा क्या हुआ था, वो घटना कैसे हुई थी, आप कब कहाँ जा रहे थे? मैं धामनोद से अपने घर जा रहा था। मैं गाड़ी के ठीक पीछे चल रहा था, पीछे चलने से दो मोटरसाइकिल वाले रॉन्ग साइड से आ रहे थे। उनने गाड़ी वाले ने उनको बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी इधर से इधर करी, उसके बाद बचाने के चक्कर में वो गाड़ी वालों ने उस साइड कर उस गाड़ी वालों का गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा कर नीचे गिर गया। अच्छा तो सामने रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही थी? हाँ, रॉन्ग साइड आ रही थी सर, सामने से। हाँ, अच्छा दो बाइक वाले थे, आप साथ काई पे थे? मैं भी बाइक से चल रहा था। कहाँ रहते हो आप? मैं मगर केरी। क्या नाम है? प्रकाश शर्मा। लोगों के परिजनों से बात हुई सबसे, इसलिए साथ में और कोई नहीं, और कोई मिसिंग नहीं, और अभी दो डेड बॉडी राजस्थान वाले रह गए। रघुवंशी जी।